नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ एश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्य खबर के साथ। तखतपुर के ग्राम सलेहकापा में पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। बता दें कि हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर ही जेल भेज दिया गया है और पुलिस ने आरोपी पति वीरेंद्र निषाद आतंक जो है अपराधी था और शराब पीकर ही घर में अक्सर विवाद करता था। घटना वाले दिन ही उसकी पत्नी कांति निषाद ने शराब को लेकर ही विवाद हुआ था और पत्नी ने जब वीरेंद्र को शराब पीने से मना किया है तो गुस्से में उसने कांति को लकड़ी से डंडे से मारा है और वही बेहोश कर दिया है। फिर दुपट्टे से उसका गला खोद दिया है। बताना चाहेंगे कि हत्या के बाद ही फांसी लगाकर आत्महत्या का स्वरूप दिया गया है। जब परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो जांच में महिला के सिर और गले में चोट के निशान मिले हैं। मामले की जांच के दौरान ही पूछताछ में पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जिसके बाद ही पुलिस ने पति को रिमांड पर जेल भेज दिया है। आए दिन शराब पीता था, उसकी पत्नी उसको शराब पीने से मना करती थी। घटना दिनांक को मना करने के बाद भी वो शराब पीकर आया, उसी में पति पत्नी में वाद विवाद हुआ। उस दौरान रात्रि में वो गुस्से में मृतका के सिर में पीढ़ा से वार किया, वो बेहोश होकर गिर गई। गिरने के बाद वो दुपट्टा से गले को कसकर बांध दिया, उसकी इस प्रकार से उसका हत्या किया और हत्या करने के पश्चात वो स्वयं कि वो फांसी लगाकर हत्या की है, ऐसा मर्ग इंडिमेशन दर्ज कराया था डॉक्टर के 60 PM रिपोर्ट पर कि उसके सिर में चोट व गला घोट कर हत्या करना बताने पर अपराध दर्ज कर